हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव। आज हम आपको बताएंगे कि नाभि का दूसरा तरीका, जिससे नाभि आपकी ठीक कर सकते हैं, वो आपको दूसरा तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लंबी चुन्नी लेंगे, उसके बाद उसको बिल्कुल गोल तरीके से लपेटेंगे। वो टाइट होनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल टाइट उसको ऐसे गोल गोल लपेट लेंगे। एक इंडी टाइप में बना लेंगे उसको। ये हमारी इंडी तैयार हो गई है। और उसके बाद अपने पेट पे रखेंगे उसको, जहाँ पे हमारी नाभि होती है, इस पोर्शन पे। उसके बाद आप उसको अपने नाभि के ऊपर रखेंगे और उल्टे लेट जाएंगे। वो देखिए, बिल्कुल नाभि के बीच में होनी चाहिए ये। ये देखिए, बिल्कुल नाभि के बीच में है। उसके बाद आप किसी दूसरे की सहायता से उसको पीठ को अपनी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बगल में उसको ऐसे तेल लगा के रिपटाना है आपको। यह प्रक्रिया आपको 5 से 7 बार करनी पड़ेगी, जब तक आपकी नाभि बिल्कुल सेंटर में नहीं आ जाती, जब तक आप ये करते रहेंगे। इससे आपको 5-7 बार करने के बाद ये आपको महसूस होगा कि आपकी नाभि सेंटर में आ गई है। यह प्रक्रिया आप लेडीज और जेंट्स दोनों में ही कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे नाभि को सेंटर में लाने के लिए क्या किया। आपका पर्सन बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल आपके सटे होने चाहिए आपके साथ में, और आपके पैर बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए। और आप खासकर ध्यान रखिए, जब आप प्रेशर लगवा रहे हैं तो वो थोड़ा दबाव के साथ प्रेशर लगे, थोड़ा प्रेशर के साथ वो करवाना है। तीसरा नाभि को ठीक करने का तरीका है, वो ये है कि आपको इंडी को रख के नीचे लेट जाना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको अपने पैर फोल्ड करने हैं। फोल्ड कीजिए, अपने पैर फोल्ड करके अपने कुल्लों के ऊपर इनको टच करना है, अपने आप, अपनी खुद की सहायता से। जब भी कोई बंदा आपके पास ना हो तो आप ये प्रक्रिया करके अपनी नाभि को खुद ठीक कर सकते हैं। आप कैसे साइकिल की तरह ये पैर को चलाना है, और आपके हाथ बिल्कुल आपके साथ सटे होने चाहिए। और ये प्रक्रिया आप जब तक करेंगे, जब तक आपकी नाभि सेंटर में नहीं आ जाती है। और आपका चेहरा बिल्कुल नीचे इसी तरह इसी पोजीशन में होना चाहिए।